बापरे, मैं शादी करने आई थी किसी और से और साहिल साहिल की शादी हो गई तेरी का से, ये ऊपर वाले की मर्जी थी शायद। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ना होश में हूं ना बेहोश हूं। ये तो ऐसा चीज़ हो गया कि जिस चीज़ से डर लग रहा था वही आपके सामने खड़ा हो गया। भूत 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 भूत, और अचानक से वो भूत सामने खड़ा हो जाए तो फिर सोचिए उसकी क्या हालत होगी। ऐसी हालत है मेरी, यही तो मुश्किल है। मुश्किल तभी तो आती है, यही तो है कि बेटा मेरा जो है वो साहिल की वेदिका के पूरी तरह पक्ष में है, और यूं माएँ बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकती। हमारी धारणा है ये कि लड़का हमेशा बड़ा होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए, और दुहाजू यानी कि डिवोर्सी या तलाकशुदा को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मैं भी नहीं कर रही। ये पिछले जन्म का कुछ है उनका कनेक्शन, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कुछ ना होते भी उनको लगता है कि सारा जहान सारी दुनिया यही है। तो उसमें फिर माँ, पुराने जन्म की माँ बाप छूट गए, इस जन्म में आ गए तो माँ बाप से ज़्यादा बड़ा रिश्ता उनका ये, वो एक रिश्ता फॉलो कर रहा है, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता। तो लेकिन मेरे लिए बहुत ही ख़तरनाक वाली स्थिति है कि मैं न जी पा रही हूँ न मर पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेटे को तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ वेदिका, सारा कसूर वेदिका का है ऑब्वियसली, औरतों का होता है सारा कसूर। ये हम सब, हमारा समाज, हमारी दुनिया, मोस्टली सब लोग यही समझते हैं कि औरत ही कसूरवार है, लेकिन बेटे ने उसको प्रोवोक किया है और शायद इसलिए उसने कदम भी उठाया होगा। नहीं नहीं, बहुत ही नेगेटिव होने वाला है। मैं बिल्कुल भी किसी भी सूरत में उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और फिर चलेगा घमासान। जैसे हम तो खैर दूसरी पारी खेल रहे हैं, मैं और सुहासी दूसरी पारी है, यहाँ में घर घर खेली, मैं हम दोनों आमने सामने थे। एक बार फिर तकरीबन 7 साल बाद हमने एक ही फ्रेम एक फेस किया है, तो फिर वो पुरानी वाली जो है वो टशन वापस निकलेगी। तो अभी जब मैं पहली बार उसकी वो चलाई तो मैंने कहा था, मैंने कहा आ गई मैं फॉर्म में, अब इनका औकात पे आ गई। अब अभी तक बहुत प्यार प्यार से खेली थी, अब औकात पे आ गई हूँ, देख लीजिए, अब समझ जाओ।